ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਰੱਜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 5 ਅਗਸਤ 1994 ਕੋ ਆਪਨੇ ਸਿਟੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜਨਮ ਦਿਆ ਥਾ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਕੋ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ आप हॉपिंगन को जानते हैं। उडारिया सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप पर हम देखने वाले हैं कि भाई पहले तो जैसे जिस तरीके से चाची जी जो है पर अरमान की बात करती है उसकी मम्मी जी से तो उसे काफी बुरी लगती है ये बातें और वो कहते हैं कि भाई आप किस तरह मेरी माँ से बात कर रही है लेकिन भाई यहाँ पर चाची जो है इस बार गुस्से में आकर अरमान को सारी बातें बताने वाली है जी मैं किसी हॉबी शॉबी को नहीं जानती आप चले जाओ यहाँ से हॉबी गर्ल के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई गई थी कि वो रज्जो नाम की लड़की को लेकर भागा है हॉबी गर्ल मेरा चाचा है तू यहाँ क्या कर रहा है तू मेरे घर में घुस के मेरी माँ का धमका रहा है तेरी तो चल निकल यहाँ पर अरमान के सामने रानू और रणविजय का सच आने वाला है पहले तो यहाँ पर अरमान जो है इस बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा और वो अपनी माँ के ही तरफ रहेगा अपनी माँ के लिए स्टैंड लेगा लेकिन यहाँ पर चाची जी जो है वो पेपर्स लाएंगी वो सारे पेपर्स लाकर दिखाएंगी अरमान को जिस पर लिखा होता है कि भाई रणविजय जो है उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि रानू है लेकिन भाई यहाँ पर अभी भी अरमान इस बात पर विश्वास नहीं करेगा वो कुछ साल पहले आंटी जी और मेरा चाचा हॉपी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे दोनों घर से भागे भी थे और एक बार उसकी बात पूरी सुन लो और उसके बाद दोनों को पुलिस पकड़ के वापस ले आई और फिर आंटी जी ने 5 अगस्त 1994 को सिटी केयर हॉस्पिटल में एक लड़के को जन्म दिया था हमें लगता है कि वो लड़का हॉपी है पेपर्स बिना पढ़े जला देगा और कहेगा कि भाई मैं अपनी माँ को अपने भगवान समान मानता हूँ और मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता और आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई रानू जब इस बार खुद अरमान को ये बात बताती है तो अरमान यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और ये बात वो एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता लेकिन भाई अब सच्चाई जो है वो तो है तो यहाँ पर अरमान जो है काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है इसी बीच आगे आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई बल्ली जो है वो दोबारा से अरमान को उकसाता है लड़ाई के लिए और अरमान यहाँ पर ऑलरेडी काफी फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा है तो इसी बीच यहाँ पर अरमान को दोबारा गुस्सा आता है और यहाँ पर हम देखेंगे भाई दोबारा से बल्ली और अरमान में लड़ाई होती है और इस बार बल्ली दोबारा से अपने गुंडों से अरमान को पिटवाता है और इसी बीच आगे आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस बार दोबारा से रणविजय अरमान की जान बचा पाएगा या नहीं।